ಬಲಕಿನ್ನ ಮೋಂಚಿಕದಿನ್ನಿ ಮರಗಾಗ ಪ್ರಭು ಡೋಲಗವಾರ ಶುದ್ಧ ಪಶುನಾರಿ ಸಕಲಕಾರಿ ಪ್ರಭು ಪ್ರತಾಪ ಮೇಘಾವ ಸುಖಾಯಿ ಪ್ರಭು ಅಜ್ಞಾ ಅಪಿರ ಶ್ರುತಿ ಗಾಯಿ ಮಂಗಲ ಭವನ ಅಮಂಗಲ ಹಾರಿ ಮಂಗಲ ಭವನ ಅಮಂಗಲ ಹಾರಿ ಮಂಗಲ ಭವನ ಅಮಂಗಲ ಹಾರಿ ಪ್ರಭು ಸುದಶರಥ ಅಧೀರ ವಿಹಾರಿ ಕೆ ಹರಿ ಅನಂತ ಹರಿ ಕಥಾ ಅನಂತ ಕಹಿ ಸುನಹಿ ಸಹು ವಿಧಿ ಬಹು ಸಂತ ಹನುಮಾನ್ ನಾಮ ಲೆ ಲೋ ತೋ ಪೂರಿ ಜಿಂದಗಿ ಚಲ ಗಯಾ ಸಾಹಬ್ तो ये तो सुंदर कांड है, कितना विधा है, जाको वेदन पावई पार, तुलसी ने रामायण की शुरुआत की तो मैंने शिव का चरित्र लिखा, रामायण ने बिना शिव को था, फिर राम का जन्म होगा तो शिव कथा लिखते गए तो तुलसी को लगा कि कभी भी राम नहीं आएंगे तो उसको पूरा करो मगर कैसे पूरा करे तो चरित्र सिंधु गिरिजा रमण भगवान शिव और पार्वती का चरित्र सिंधु है ओसन है समुद्र है और मैं चम्मच लेके बैठा हूं चरित्र सिंधु गिरिजारम जाको वेदन पावही पार और रही बात मैं वर्णन करने लगा बुद्धि तो है नहीं जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आपको इतना पता चल जाता है कि मेरे पास कुछ बुद्धि नहीं है मैं कुछ नहीं जानता हूं इतना बोलने के लिए बहुत कुछ जानता हूं जाको वेदन पावई पार बरने तुलसीदास के मी अति मति मंद गवा सुंदर कांड के प्रत्येक चौपाए स्वयं एक अनुष्ठान आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो आपको जो पसंद हो उस चौपाए को पकड़ दे रामायण की कोई भी चौपाई को पढ़ो उससे आपके मनोरथ परिपूर्ण होंगे हमारी बात चली थी अवभाग्य अमित पति राम सुखा कृपा सुख पुण्य देखे उन्हें विभीषण जी प्रभु राम के चरण में आ गए राजी प्रसन्न कहा कि मद को मान को त्याग कर देना चाहिए विभीषण को राजा बना दिया लंकेश बना दिया और रावण ने पीछे दूत भेजा कि क्या हो रहा है देखो तो विभीषण को लंकेश बना दिया तो दूत को लगा कि क्या प्रभु का स्वभाव है मगर रावण का दूत राक्षस बन के आया था वो वानर बना ताकि वो पहचाना न जाए मगर प्रभु का स्वभाव देखकर उसके हृदय में राम आ गए तो हृदय में राम आ जाता है तो हम अपनी असलियत पे आ जाते हैं हमारा मूल चेहरा निकल आता है तो ये राक्षस के स्वरूप में प्रकट हो गया तो सबने उसको बहुत मारा श्लोक नहीं पकड़ा एक एक चौपाई नहीं पकड़ा तो बहुत मारा तब किसी ने कहा कि उसके नाक कान काट दो
तो उन्होंने कहा कि जो भी मेरे नाक कान काटे उसको प्रभु राम की सौगंध, राम की सौगंध थी तो उसको छोड़ दिया। मगर लक्ष्मण जी ने एक लेटर लिखा अपने स्वामी को देना, राजी होकर आया भगवान का स्वभाव। और यहां देखा तो दूत ने कहा कि प्रभु आप ऐसा मत सोचिए कि वहां छोटे छोटे बंदर है, यहां जो आए थे ना वो तो कोई आलम, इससे तो बहुत बड़े बड़े वहां बंदर है। नाथ मैं ऐसा मानता हूं कि आपको सीता को दे देना चाहिए और आप उसके शरण में चले जाओ। अगर दूत को भेजा था इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो भगत बन गया है। ये भक्ति का तार जिसका अखंड है वो एक बार सत्संग में जाता है वो तो सत्संग ही बन के आता है, मगर जिसके फिलामेंट उड़ गए ना बोले बोलो कोई नहीं, जिसके फिलामेंट होता है हमारा देश यहां मालूम नहीं, एलईडी में मालूम नहीं है, ये तो बदल गया सब पूरी दुनिया। बुलबुलों ने कहा चमन बदल गया, इतने आर्टिफिशियल फूल को ऐसा मैंने क्या फूल है टच करो तो कुछ नहीं। बुलबुलों ने कहा चमन बदल गया, सितारों ने कहा आसमान बदल गया, इंसेट वन इंसेट टू इंसेट थ्री मोबाइल का उपग्रह, इतने उपग्रह ऊपर पड़े हुए वहां भी ट्रैफिक जाम हो गया। तो सितारों ने कहा आसमान बदल गया, तो कभी धरती पे आया और फ्यूनरल होम में गया तो क्या बदला। तो पहले सादी लकड़ी की पेटी आती थी, अभी 10,000 की आती है बस, बाकी कोई फर्क इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो वही का वही है, मुर्दा वही का वही, मगर पैकिंग बदल गया। मुर्दा को साफ वही का बदला कुछ नहीं, साफ जीना है एक बार मर जाना है। कहा कि आप जाइए तो रावण को क्रोध आया, उसको लात मारी फेंक दिया। वो बोला मैं तो राम के शरण में जा रहा हूं, राम के चरण में ये राक्षस आया और प्रभु को प्रणाम, ये वहां से चला गया। और यहां क्या हुआ, भगवान ने सोचा सबने कहा कि चलो भगवान निकलते हैं, तो बोले कि भाई रास्ता चाहिए ना, तो कहा कि भाई ये तो आपके समुद्र आपके गुरु है, अब उससे रास्ता कर सकते हो। तो प्रभु राम समुद्र के किनारे गए, दो हाथ जोड़े विनती की तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, यह मत लक्ष्मण को नहीं भाव कि हम क्षत्रिय है राजपूत है राजा है, विनती हमारा स्वभाव नहीं है, मगर राम का स्वभाव पहले बात फिर समझाते, फिर समझने के बाद नहीं माने तो मुलाकात बात फिर नहीं आता, मुलाकात बात फिर ला। लक्ष्मण जी बोले ये क्या दरिये से माथा कूट करने का। तो वहां रावण को समाचार पहुंचा के प्रभु राम जी तो समुद्र के किनारे पर बैठ गए साधना में दरिया को मना के लिए, तो कि जिसका विभीषण जैसा सहायक हो ये वो राजा ऐसा ही करेगा, डरपोक है मेरा भाई और डरपोक की सलाह से वो राम भी डरपोक बनकर समुद्र से सहाय मांग रहा है, मगर ऐसे दरिया साथ नहीं देता है। गए 3 दिन बीत, बोले सको कौन भगवान राम हुए, और भगवान बोले कि भय भी न हो नफरित, उसको मुझे भयभीत करना पड़ेगा, संधा ने उसे कठिन कृपाना। प्रभु राम ने बोला कि बाण लाइए, और प्रभु ने जब बाण चढ़ाया प्रपंच प्रचंचा के ऊपर बाण लगाया, समुद्र भयभीत हुआ और मणिगर नाना मूर्तिमंत होकर अनेक प्रकार के रत्नों लेकर प्रभु राम के चरणों में प्रभु क्षमा कीजिए, आपको पता हम जड़ हैं
और जड़ कब तक नहीं समझते? जब आपको गुस्सा ना करो उसको पीटो नहीं। काफी लोग शास्त्रों को बहुत जानते, स्पेशली जो अपने घर में जो राजा बन के घूमते ना, समझे अभी भी नहीं समझे। जिसकी कहीं पर भी नहीं चलती उसकी कहां चलती मालूम है? चलती नहीं, मगर वो जबरदस्ती चलाता है। जिसकी कोई नहीं सुनता है वो अपनी जोरों के ऊपर बड़ा जुर्म करता है। और वो तर्क क्या देता है मालूम? रामायण का तर्क देता है। ये समुद्र बोला है, ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। बाप जी आप, हम तो जड़ है, जब तक हमको आप मारेंगे नहीं तब तक हमको विनाश नहीं आएगा। कहा के प्रभु आपकी टुकड़ी में